दोस्तों आज के इस वीडियो में हम IRCTC के विषय में बातें करेंगे। जी हाँ, IRCTC में काफ़ी ज़्यादा अपडेट आने के कारण काफ़ी बदलाव हो चुके हैं और अब इस समय अगर देखा जाए तो एक विजुअली इम्पेयर्ड पीपल को टिकट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, काफ़ी समस्याएं आ रही है, काफ़ी एड्स आ रहे हैं। इसके बाद जो पहले ऑप्शन हमें मिलते थे जो फिर वो चेंज हो चुके हैं और हमें अब बुक टिकट का भी बटन जल्दी नहीं मिलता और पैसेंजर ऐड करने का भी बटन जल्दी नहीं मिलता, पेमेंट भी जल्दी हमारा नहीं हो पाता। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर काफ़ी दिक्कतें आ रही है और अब पहले की तरह हम इजीली टिकट बुक नहीं कर पा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी का सलूशन लेकर आया हूं कि अब आप इस अपडेट के बाद IRCTC को किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं और कितने सारे चेंजेस आए हैं IRCTC में और अब आप यदि खुद से अपना टिकट बुक करना चाहते हो तो किस प्रकार से अपना टिकट बुक कर सकते हो। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो के पूरे लास्ट तक और आपको पूरा IRCTC में जितने भी बदलाव आए हैं उन सभी चीज़ों के विषय में आज जानकारी मिलने वाला है। दोस्तों यदि चैनल पर नया है चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और इसके साथ साथ यदि आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप हमें मैसेज कीजिए ताकि आप उस ग्रुप में जुड़कर और भी अपने टेक्निकल क्वेरीज का सोल्यूशन पा सकें। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधे शुरू करते हैं और ओपन करते हैं अपने IRCTC ऐप को। तो दोस्तों IRCTC ऐप ये रहा हमारा। जैसे आप पहली बार IRCTC ऐप करेंगे तो कुछ आपको यहाँ पर रीड करने के लिए मिलेगा। इसे आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे उसके बाद IRCTC का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लॉगिन का बटन आपको मिलेगा। आपको अपने जो 4 डिजिट का पासवर्ड क्रिएट किया है, ध्यान रहे यदि आपने पहले से IRCTC अकाउंट क्रिएट किया है तभी आप टिकट बुक कर पाओगे। यदि आपका IRCTC अकाउंट क्रिएटेड नहीं है तो पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा और यदि आपको मालूम नहीं है कि आप अकाउंट किस प्रकार से क्रिएट करना है तो आप इसके लिए भी वीडियोस मिल जाएंगे, इसी चैनल पे आप देख सकते हो। तो चलिए अब मैं लॉगिन के बटन पर क्लिक करता हूँ और पहले अपने ऐप में लॉगिन हो जाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आपको टिकट बुक करना है। तो सबसे पहले लॉगिन के बटन पर मैं क्लिक किया, फिर उसके बाद यहाँ पर मुझे 4 अंकों का जो पासवर्ड है उसे यहाँ पर एंटर करना होगा अपना। एंटर करता हूँ। देखिए जैसे आप अपना पासवर्ड पिन एंटर करेंगे उसके बाद आपको बुकिंग विद OTP पे क्लिक करना होगा। इसे आप ध्यान दें और लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना है। ये सारा कुछ पहले ही था, पहले भी था, ये इसी प्रकार से होता था लेकिन इसके बाद से चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ तक तो सब कुछ सही है, यहाँ तक तो पहले भी सही था। चलिए OTP आ गया है, वेरीफाई कर देता हूँ जल्दी से जाकर। चलिए OTP हमें मालूम चल गया है। Showing number keyboard. 4 4 7 7 9 9 4 4 0 0 5 5 OTP verification. Editing. Resend. Verify OTP. Showing password keyboard. IRCTC real connect. Add button. IRCTC selected dashboard. तो देखिए इस प्रकार से मैंने अपना OTP verify कर दिया। OTP verify करने के बाद हमें चले जाना है plan my journey के बटन पे। Upcoming. Last transaction. Plan my journey. प्लान माय जर्नी में जाने के बाद आपको उस डेट को सिलेक्ट करना है किस डेट पे आपको यात्रा करना है और कहां से कहां यात्रा करना है। तो यहां पर चेंजेस क्या हुए हैं उसे मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले आपको एंटर करना है कहां से आपको यात्रा करना है। चलिए यहां पर RNC डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, मैं रहने देता हूँ। 2 कहाँ तक जाना है, NDLS मैं पहले से सिलेक्ट किया हूँ इसलिए यही रहने देता हूँ। जी हाँ, आगे अगर आप देखेंगे तो क्लास किस क्लास में आप यात्रा करना चाहते हैं। यदि आप यहीं से चाहते हैं स्लीपर, 3rd AC, जो भी जिस भी क्लास में आपको यात्रा करना है आप चाहो तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो।
जी हाँ, कोटा, यदि आपको दिव्यांग कोटे से बुक करना है तो आपको यहीं से सिलेक्ट करना होगा अपना दिव्यांग कोटा। तो ध्यान रहे, जो आप पहले अंदर जाके करते थे सर्च करने के बाद, वो अब आपको यहीं से सिलेक्ट करना होगा आपको किस कोटे से टिकट चाहिए। तो जो मैं आज प्रोसेस बताऊंगा वो मैं जनरल कोटे से बताऊंगा। अगर आप दिव्यांग कोटे से बुक करना चाहते हो तो ये भी सेम प्रोसेस है, इसके लिए भी आपको वही मेथड वहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो सेम है, बस वहाँ जो पहले आप अपना ई कार्ड नंबर वगैरह डालते थे वही डालना होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। तो इसीलिए मैं आज जनरल कोटे से ही बताऊंगा। यदि दिव्यांग कोटे से बुक करने में आपको कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए एक और वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। डिपार्चर डेट, किस डेट में आपको यात्रा करना है, चलिए मैं कोई एक डेट सिलेक्ट करता हूँ जल्दी से। ये मैं सिलेक्ट कर लिया March 29. आगे आपको बटन मिल जाएगा सर्च ट्रेन, उससे पहले आपको कुछ बटन्स मिलेंगे। रेलवे पास कॉन्सेशन, यदि आपको अपने जनरल कोटे से ही कॉन्सेशन लगाकर टिकट बुक करना है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। तो यदि इसके विषय में आपको जानकारी नहीं है तो आप कमेंट कीजिए, मैं वीडियोज़ आपके लिए ज़रूर लाऊंगा। वैसे एक वीडियो है हमारे इस चैनल पे जिसमें बताया गया है कि आप ई कार्ड से किस प्रकार से टिकट बुक कर सकते हैं, आप उसे भी देख सकते हो। यदि फिर भी कोई डाउट्स आती है आपको तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। वैसे भी कमेंट्स अभी बहुत कम आ रहे हैं आप सबों के, और वीडियोस भी बहुत कम आ रहे हैं तो कमेंट्स कम आएंगे ही, तो कोई नहीं, आप सभी ज़रूर कमेंट कीजिए इस वीडियो पे। चलिए यहाँ से मैं सर्च ट्रेन पे क्लिक कर देता हूँ, और सर्च ट्रेन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ट्रेन के लिस्ट आ चुके हैं, जितने भी ट्रेन यहाँ पर इस डेट को है रांची से नई दिल्ली के लिए। देखिए अब यहाँ से करना क्या है, जैसे ही आप यहाँ पर सर्च ट्रेन पे क्लिक करोगे तो ट्रेन के लिस्ट आ चुके हैं। सबसे पहला ट्रेन ये पहले ट्रेन है, ठीक है। यहाँ से अगर आप राइट स्लाइड करोगे तो आपको बटन मिलेगा, ये बटन मिलेगा, ये रूट मैप का, यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि किस किस रूट से होकर ये ट्रेन जाएगा, यहीं से आप इसका रूट चेक कर सकते हो। तो चलिए इसे मैं कर नहीं दिखाता हूँ आपको, अगर मालूम करना है कि ये किस किस स्टेशन से होते हुए ये नई दिल्ली तक जाएगी तो आप इसे चेक कर सकते हो इस पर क्लिक करने के बाद। देखिए 3AC, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये ट्रेन में सिर्फ 3rd AC है, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर 3AC सिलेक्ट सर्च में दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ABL मतलब अवेलेबल कितना है आपको यहीं पर मालूम चल जाएगा, और इसका किराया, जी हाँ, जो किराया है वो आपको बाद में मालूम चलता था, मगर इसमें यहीं पर आपको मालूम चल जाएगा इसका किराया कितना है। चलिए ये, अगर आपको बुक करना है इस ट्रेन को इसी डेट पे तो आप इस 3A पे क्लिक कर सकते हो, फिर आपको बुक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यदि आपको कोई किसी और ट्रेन में भी देखना है इसी डेट पे कोई दूसरा ट्रेन है या नहीं तो आगे आपको स्लाइड करना है। ये दूसरा ट्रेन है, फिर आगे जाएंगे, यहाँ पर स्लीपर में इतना वेटिंग है और यहाँ पर कितने परसेंट चांस है, ये सारा कुछ आपको ऊपर में ही दिखाई दे रहा है, यहीं पर आपको मालूम चल जाएगा। देखिए इस प्रकार से कुछ है। तो आपको यदि यहाँ से बुक करना है तो आपको 3AC स्लीपर, जिस भी क्लास में आपको यात्रा करना है, जिस जहाँ भी आपको बुक करना है उस पर आपको क्लिक करना होगा। देखिए इस पे अगर क्लिक करोगे तो ट्रेन टाइप, किस टाइप का ट्रेन आप ढूंढना चाह रहे हो, यहाँ पर स्पेशल ट्रेन, गरीब ट्रेन, राजधानी, तो ये इसके लिए बटन है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको मालूम चल गया होगा कि आप किस प्रकार से ट्रेन सर्च कर सकते हो। और यदि जैसे कि यहाँ पर मैंने 29 तारीख के लिए देखा और इस दिन सारा टिकट मतलब इस दिन सारा कुछ वेटिंग में है, कोई खाली नहीं है, अगर आपको दूसरे
तारीख में देखना है, तो आपको कभी कभी यह दिक्कत होता है, यहाँ से अगर आप डेट चेंज करोगे तो नहीं हो पाएगा। इसलिए आप बैक आ जाओ और जहाँ से आपने सेलेक्ट किया था 29, वहीं से आपको डेट को अपना आगे करना होगा, दूसरा डेट सेलेक्ट करना होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें यहाँ से, क्योंकि बहुत इस बदलाव के बाद बहुत चेंजेस हो गए हैं, इसलिए यहाँ से आप नहीं कर पाओगे इजीली। तो चलिए, आपको दूसरे डेट में इस प्रकार से आप देख सकते हो। यदि आप जिस डेट के लिए देख रहे हो उस डेट में आपका ट्रेन सीट अवेलेबल है, अगर आपको उस डेट में यात्रा करना है, तो फिर आपको टिकट किस प्रकार से बुक करना है, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर 3A 0571 इतने सीट अवेलेबल है और किराया यहाँ पर बता दिया गया है 1075। चलिए मैं इसे ही अगर बुक करना चाहूँ तो इस 3A पे क्लिक करता हूँ, इस बटन पे क्लिक करना है। अगर आपको स्लीपर में बुक करना है जहाँ पर SL बोल रहा है उस पे क्लिक कीजिए। यदि आपको थर्ड AC में बुक करना है तो 3A जहाँ बोल रहा है वहाँ पर क्लिक कीजिए। मैं क्लिक करता हूँ, इसके बाद इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको एकदम बैक बटन के ऊपर आपको अपना फिंगर रखना है। देखिए यहाँ मिल जाएगा पैसेंजर डिटेल। होता यह है इस अपडेट के बाद कि आपका नीचे कीबोर्ड भी खुल गया है, ऊपर आपका ट्रेन सर्च दिखा ट्रेन दिखा रहा है, लेकिन आपका कीबोर्ड भी ओपन हो गया है। अगर ऐसे आपके साथ होता है तो आप अपना बैक करके कीबोर्ड को हाइड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो बैक बटन है उसके ऊपर आपको मिल जाएगा पैसेंजर डिटेल। और उससे अगर लेफ्ट आप स्वाइप करोगे तो आपका किराया पता चलेगा। चलिए अगर आपको बुक करना है तो पैसेंजर डिटेल पे आप क्लिक कीजिए। इसे आपको अग्री कर देना है पर। ओके बटन पे क्लिक कर देना है सारा कुछ पढ़कर। देखिए ये सारा कुछ होने के बाद, इतना कुछ करने के बाद, आपको यहाँ पर लेफ्ट टू राइट स्वाइप करते हुए आगे आना है। आप चाहो तो ऐसे भी ढूंढ सकते हो, स्वाइप करके भी ढूंढ सकते हो। देखिए और आपको अब आगे बटन मिल जाएगा प्लस एड न्यू, इस बटन पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको स्वाइप नहीं करना है। जी हाँ, इस बटन पर क्लिक करने के बाद आपको स्लाइड नहीं करना है। अगर आप स्लाइड करते हुए आओगे तो आपको ये जो पैसेंजर डिटेल ऐड करने का आपको बटन नहीं मिलेगा आसानी से। इसलिए आपको क्या करना है, स्क्रीन के बिल्कुल बीच बीच में आपको टच करना है, जहाँ कि आपको मालूम चल जाएगा। अगर आप स्वाइप करोगे तो थोड़ा सा एक्सेसिबल नहीं है, इसलिए आपके साथ ये दिक्कतें आती है। तो आप को यहाँ पर स्वाइप नहीं करना है, स्क्रीन के बिल्कुल बीचों बीच आपको टच करना है। देखिए ये अगर आप यहाँ से स्वाइप करोगे तो आपको ये जल्दी से नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं स्क्रीन के बिल्कुल बीच में देखा तो यहाँ पर हम जेंडर के ऑप्शन पे आ गए। अब यहाँ से पहले हमें नाम डालना है अपना, तो यहाँ से आप चाहो तब लेफ्ट की ओर स्वाइप करके नाम ढूंढ सकते हो, जहाँ पर आपको नाम का एडिट बॉक्स मिल जाए। चलिए मैं यहाँ पर जेंडर में अपना मेल सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले। चलिए यहाँ पर आ गया नेम, नेम में डाल देता हूँ अपना। देखिए जैसे आप नेम डालोगे उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे आपको नीचे एक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप एज डाल सकते हो, या फिर से आपको स्क्रीन जहाँ पर आपका एडिट बॉक्स रहता है उससे थोड़ा सा ऊपर आपको टच करना है, फिर आपको जेंडर का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आपको लेफ्ट स्वाइप करना है, फिर एज के बटन को ढूंढना है आपको। चलिए मैं ढूंढ लिया और यहाँ पर अपना एज एंटर कर देता हूँ। चलिए फिर से मैं उसी प्रकार से एडिट बॉक्स के ऊपर मुझे जेंडर का ऑप्शन मिल गया था, वहाँ से अपना कर्सर रखते हुए राइट स्वाइप कर रहा हूँ। देखिए अब आगे आप स्वाइप करोगे तो ऐड आ गया है, ये देखिए।
देखिए थोड़ा सा ऐड के बाद भी आप अगर स्वाइप करते जाओगे करता जाओगे तो आपको मिल जाएगा ऐड पैसेंजर, इस पे आपको क्लिक कर देना है तो ये पैसेंजर ऐड हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से मैं अपना एक पैसेंजर ऐड कर दिया। यदि आपके साथ कोई और भी यात्रा कर रहा है तो उसे यदि आप ऐड करना चाहो तो फिर से आप सेम प्रोसेस से आपको यहाँ से स्वाइप करते हुए जाना है आगे। ये देखिए मैं लेफ्ट टू राइट स्वाइप कर रहा हूँ। साउंड फीडबैक वॉल्यूम मैं ऑफ रखा हूँ फिलहाल। देखिए ये, चलिए मैं एक और पैसेंजर ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। तो इस पे करने के बाद, ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको स्क्रीन के बीच में आपको टच करना है ताकि आपको जल्दी से वो एडिट करने का ऑप्शन मिल जाए दूसरा पैसेंजर को। देखिए अगर स्क्रीन के बीच से अगर थोड़ा सा नीचे अगर आप टच करते हो तो यहाँ पर आपको ऐड मिल जाएगा। ये देखिए अगर इससे थोड़े से ऊपर में आप जाते हो तो यहाँ पर आपको देखिए नेम एज का ऑप्शन मिल गया। इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको नेम लिखना है दूसरे यात्री का। चलिए मैं नेम लिख देता हूँ। चलिए दूसरे पैसेंजर का नाम लिख दिया। अब यहाँ पर एज लिखना है। एज इनका डाल देता हूँ मैं। चलिए ये मैं एज डाल दिया। फिर से आपको यदि इनका जेंडर सिलेक्ट करना है तो स्क्रीन के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर आपको टच करना होगा। चलिए ये मेल में टिक कर दिया। अब फिर से आपको आगे स्लाइड करते हुए जाना है ताकि आपको ऐड करने का ऑप्शन मिल जाए, ऐड पैसेंजर का ऑप्शन मिल जाए। चलिए यहाँ पर नॉन नेक्स्ट डिफॉल्ट जैसे ही टॉकबैक रीड कर रहा है, हालांकि आपके टॉकबैक में इस प्रकार से रीड ना भी करे लेकिन आपको ऐड पैसेंजर का बटन मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने दो पैसेंजर को ऐड किया। इसी प्रकार से अगर आप और भी लोग यात्रा कर रहे हो तो आप उसे भी ऐड कर सकते हो। चलिए स्लाइड करते हुए जाता हूँ। देखिए पहला पैसेंजर, देखिए ये दोनों को मैं ऐड कर दिया। फिर अगर आपको किसी और भी पैसेंजर को ऐड करना है तो प्लस ऐड न्यू पे क्लिक कीजिए और उनका डिटेल डालिए, वो भी ऐड हो जाएगा। सेम ई कार्ड से भी आप अगर टिकट करते हो तो यही चीज़ है, बस वहाँ पर आपको अपना दिव्यांग कॉन्सेशन सिलेक्ट करना है और अपना कार्ड नंबर वगैरह डालना है, तो यही प्रोसेस है। तो उसके विषय में भी अगर आपको कोई ट्यूटोरियल चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, आपको मैं ज़रूर ट्यूटोरियल बनाकर दूंगा। चलिए आगे पैसेंजर मोबाइल नंबर, तो आपको यहाँ पर अपने पैसेंजर जो भी पैसेंजर है उनका मोबाइल नंबर लिखना है। मैं रहने देता हूँ। इसे आपको कुछ नहीं करना है, सेम जैसा था उसी रहने देना है। जी यहाँ पर आपको डेस्टिनेशन एड्रेस वगैरह डालना है। तो देखिए इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको ये सब कुछ नहीं करना है, आपको अपने पिन कोड को एंटर करना है सबसे पहले, ये सब एड्रेस को भी नहीं एंटर करना है। एड्रेस लिखने समय सबसे पहले आप ध्यान रखें, सबसे पहले जाकर आपको पिन कोड डालना है। यदि आप पिन कोड डालेंगे तो आपका बाकी एड्रेस अपने आप आ जाएगा खुद से। ये पिन कोड मैं डाल देता हूँ। जहाँ जाएंगे आप वहाँ का पिन कोड डालना है जहाँ तक आप यात्रा करना चाहते हो। चलिए मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ। जैसे आप पिन कोड डालोगे तो उस पिन कोड में जितने भी एरिया आते हैं उनका लिस्ट आ चुका है, तो मैं इसमें से सिलेक्ट कर देता हूँ किसी एक को। जो भी आपका एरिया है उसे आपको सिलेक्ट कर देना है। IRCTC Real Connect.
इसे सिलेक्ट करने के बाद आपको स्टेट सिटी ये सब कुछ भी एंटर नहीं करना होगा, ये आपका ऑटोमेटिक ले लिया है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से लेफ्ट स्वाइप करना है और एड्रेस वन में आपको जहाँ तक जा रहे हो आप वहाँ का एड्रेस डाल देना है। यहाँ पर पहले एड्रेस में आपको जहाँ जा रहे हो वहाँ लिख देना है। मैं डाल देता हूँ यहाँ पर मैं लिख दिया शालीमार विलेज। देखिए ये दिल्ली स्टेट ये सब खुद से खुद आ गया है। आगे यहाँ से आपको अब लेफ्ट टू राइट स्वाइप करते हुए जाना है। जी यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप किस के थ्रू पे करना चाहते हो। तो यदि आप फोन पे गूगल पे इसके माध्यम से पेमेंट करना चाहते हो तो आपको सिलेक्ट करना है दूसरा वाला ऑप्शन। ध्यान रहे सेकंड वाले ऑप्शन पे आपको टिक करना है। ये यदि आप स्वाइप करते हुए जा रहे हो तो फिर जैसे आप सेकंड ऑप्शन को क्लिक करोगे तो आप जहां पर आप पिन कोड डाले थे वहीं पर आपका कर्सर आ जाएगा। फिर से आपको आगे यहां से स्लाइड करते हुए नीचे जाना है। चलिए यहां से फिर आगे हम स्लाइड करेंगे। यहां पर ट्रैवल इंश्योरेंस पे आपको टिक कर देना है। और ट्रैवल इंश्योरेंस पे टिक करने के बाद आपको रिव्यू जर्नी डिटेल पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप रिव्यू जर्नी पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। और ध्यान रहे यहाँ पर आपके डिवाइस पे एक OTP आएगा, जो भी आपके मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा। उस OTP को आपको वेरीफाई करना है तभी आपका पेमेंट कंप्लीट होगा, पेमेंट के लिए आगे ऑप्शन आएगा। तो चलिए OTP हमारे डिवाइस पे आ चुका है, मैं उसे जल्दी से देखता हूँ क्या OTP है, उसे वेरीफाई कर देता हूँ ताकि आगे का प्रोसेस हो पाए। चलिए OTP में पता चल गया है क्या है, मैं वेरीफाई कर देता हूँ। देखिए यदि आप स्वाइप करते हुए इतना नहीं ढूंढना चाहते हो तो होम बटन के ऊपर आपको एडिट बॉक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, यहीं आपको OTP एंटर करना है। ज़्यादा अगर आप स्वाइप करना नहीं चाहते हो तो ताकि इजीली मिल जाए तो यहीं से आपको OTP वेरीफाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जस्ट आपके डिवाइस के होम स्क्रीन के होम बटन के ऊपर। चलिए ये OTP में एंटर कर दिया। आगे मैं एडिट बॉक्स पे जाता हूँ फिर वेरीफाई का बटन ढूंढता हूँ किधर है। Yes, IRCTC, edit, proceed to pay, editing, 677,799, edit, resend. I click and proceed to pay, 2,100, fair breakup. देखिए यहाँ पर फेयर ब्रेकअप यहाँ पर मालूम चल जाएगा। उससे पहले दोनों दो व्यक्ति का भी मैं भी सिलेक्ट किया हूँ तो दो व्यक्ति का कितना होता है फेयर, ये फेयर है। तो आप जितनी अगर ई कार्ड से करोगे तो जो भी आपका डिस्काउंट है उसे जोड़कर यहाँ पर जो भी फेयर है वो यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। यहाँ पर प्रोसीड टू पे पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर यस बटन पे क्लिक कर देना है सारा कुछ पढ़कर। फिर उसके बाद आगे आपको ऑप्शन मिलेगा मेक पेमेंट, सिलेक्ट पेमेंट मेथड, भीम UPI। यदि आप भीम UPI से पेमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन यदि आप फोन पे गूगल पे इसके माध्यम से पेमेंट करना चाहते हो तो आपको क्लिक करना होगा मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन, इस बटन पे आप क्लिक कीजिए। फिर आपको स्क्रीन के बिल्कुल मिडिल में टच करना है। यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा फोन पे का,
इस पर आपको टिक कर देना है, फिर आपको यहाँ से स्लाइड करते हुए नीचे आना है। अब आप स्वाइप कर सकते हो। यदि आप स्वाइप करना नहीं चाहते हैं तो नीचे ये काफ़ी ऐड आपको मिलेगा, इसलिए आपको स्वाइप करते हुए ही आना है। अगर स्लाइड नहीं करेंगे तो आपको डायरेक्ट अगर टच करेंगे तो काफ़ी एड्स आपको मिलेंगे यहाँ पर। चलिए इन सब ऐड को पार करते हुए इस पे बटन पे आपको क्लिक कर देना है। Processing payment. Please wait. Loading. Please wait. IRCTC Rail Connect. You will receive a consent trusted by heading 2. Pay using. चलिए अब इतना कुछ करने के बाद एक और प्रोसेस बचा है यहाँ पर। Or pay using. देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे। पहला Or send OTP to login button. 7260920093. इस नंबर पे आपका OTP जाएगा, फिर OTP पे वेरीफाई करोगे फिर आपको पेमेंट का रिक्वेस्ट आएगा। लेकिन ये दूसरा ऑप्शन मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, इसलिए आप चाहो तो इसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ आपको अपना UPI ID एंटर करना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आपका फ़ोन पे का क्या UPI ID है, उसे आप एंटर करो। तो मैं पहले से, अगर एक बार आप कर दियो तो बार बार आपको करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं पहले ही कर चुका हूँ और भी पहले टिकट बुक किया तो इसलिए आप अगर एक बार कर दोगे यहाँ पर UPI ID अपना डाल दोगे तो बार बार आपको एंटर नहीं करना पड़ेगा। तो क्या करना है कि पहली बार अगर आप टिकट बुक कर रहे हो तो यहाँ पर आपको अपना UPI ID डालना है। UPI ID होता है ये है फ़ोनपे का, जो आपका नंबर है उसके आगे 8@ वाला 8YBL ये लगाना है, फिर आपका बन जाएगा UPI ID। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिर @YBL यहाँ पर लगाना है। तो फिर उसके बाद आपको वेरीफाई बटन पर क्लिक करना है, फिर आपका फ़ोनपे UPI ID वेरीफाई हो जाएगा। फिर आगे इतना कुछ करने के बाद अगर आप यहां से स्वाइप करोगे तो नहीं हो पाएगा। देखिए ये बटन यहां पर कुछ भी यहाँ पर रीड नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर आपका नाम आएगा, जैसे यहाँ पर सुमित आ गया मेरा नाम, उसके आगे जो बटन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए इस पर क्लिक करने के बाद अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए हो सकता है ये बटन रीड नहीं कर रहा है, तो आपके में रीड भी करे ये बटन, ये पे बटन है ये। तो जो भी आप UPI ID एंटर किए हो उसके बाद आपको पे बटन मिल जाएगा, तो उस पे बटन पे क्लिक जैसे ही करोगे तो आपके फ़ोन पे में IRCTC की तरफ से रिक्वेस्ट आया हुआ होगा। चलिए फ़ोन पे में जाता हूँ मैं। चलिए फ़ोन पे में मैं आ चुका हूँ। फोन पे में आने के बाद यहाँ पर देखिए IRCTC का रिक्वेस्ट आ चुका है। यहाँ से आप अगर पेमेंट कर दोगे तो आपका टिकट बुक हो जाएगा। तो चलिए मैं पेमेंट नहीं करता हूँ क्योंकि अभी मुझे बुक नहीं करना है। तो जितने भी डाउट्स थे, जितने कुछ भी दिक्कतें आ रही थी, उम्मीद करता हूँ कि ये सारा कुछ आपको मालूम चल गया होगा। अब आप भी इसी प्रकार से इजीली अपना टिकट बुक कर पाएंगे। तो दीजिए मुझे इजाज़त, फिर से मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ।